आज की वीडियो में हम बात करेंगे राखी के त्यौहार के बारे में। मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं कि राखी का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाए या फिर 31 अगस्त को। मैं आज आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्यों राखी का त्यौहार 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को। तो ये बात सुनिए कि राखी का त्यौहार जो कि श्रावण मास की यानी कि सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा कब लग रही है? सावन मास की पूर्णिमा 30 अगस्त को 10:58 पर सुबह के शुरू हो रही है। यदि सावन मास की पूर्णिमा सुबह 10:58 पर शुरू हो रही है तो राखी का त्यौहार तभी से क्यों नहीं मनाया जा रहा? इसके पीछे का मुख्य कारण है कि जब सावन मास की पूर्णिमा लग रही है तो उसी वक्त भद्रा भी शुरू हो रही है। जब भी भद्रा लगती है तो उस वक्त किसी भी त्यौहार को या किसी भी अच्छे अनुष्ठान को नहीं मनाया जाता। एक प्राचीन कथा के अनुसार शूर्पनखा ने रावण को भद्रा के समय राखी बांध दी थी तो उसके एक साल के अंदर अंदर उसके भाई का देहांत या वध हो गया था। तो ऐसा भी माना गया है कि भद्रा के समय पर अपनी बहन को अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब भद्रा कब खत्म हो रही है और श्रावण मास की पूर्णिमा कब खत्म हो रही है? भद्रा 30 अगस्त को रात को 9:01 पर ख़त्म हो जाएगी और श्रावण मास की जो पूर्णिमा है ये 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर ख़त्म होगी। तो इसका मतलब हम रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को 9:01 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक कभी भी मना सकते हैं। अब यहाँ पर फिर लोगों के मन में दो डाउट आते हैं कि रात को त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, संध्या काल में मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, सूरज छिपने के बाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस तरीके के किसी डाउट में हैं तो आप 31 अगस्त की सुबह जिसमें 5:48 से सूर्य उदय हो जाएगा और यह श्रावण मास की पूर्णिमा 7:01 तक रहेगी तो आप 7:05 तक ये रहेगी तो आप 5:48 से लेकर सुबह के 7:05 तक भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। उस समय सूर्योदय भी होगा और श्रावण मास की पूर्णिमा भी चलेगी। और यदि आप 7:05 के बाद, जैसा कि कुछ अभी सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही हैं कि अभी 31 अगस्त को बनाइए तो तब आप एकम शुरू हो जाएगी। तो यदि आप रक्षाबंधन का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाई के भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं तो इसका फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप इसके पूरे नियमों का पालन करेंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त रात को 9:01 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 पर आप मना सकते हैं। यदि आप पूरे उदय के टाइम पर मनाना चाहते हैं तो 5:48 से लेकर सुबह के 7:05 तक सूर्योदय भी होगा और श्रावण मास की पूर्णिमा भी होगी। ऑप्शन आपके पास में है, आप किसी भी समय राखी का त्यौहार मना सकते हैं। धन्यवाद।